तलाक देना है, डाइवोर्स लेना है तो उसके कारण देने पड़ेंगे, ये साहबानो केस ने स्पष्ट कर दिया। मगर उस वक्त सबसे बड़े बहुमत वाली सरकार थी देश में, श्री राजीव गांधी कांग्रेस के प्रधानमंत्री लगभग 400 के बहुमत के साथ संसद के अंदर शासन कर रहे थे। और वो दिन संसद के इतिहास में एक काला दिन माना जाएगा कि मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स सोच रखने वाले लोगों के और वोट बैंक के दबाव में आकर राजीव गांधी ने कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त कर मुस्लिम महिलाओं को फिर से एक बार ट्रिपल तलाक के दूषण को उनके पर थोप दिया। और आज भी कांग्रेस पार्टी, आप सब लोग सेम कह रहे हो, कांग्रेस पार्टी को आज भी शेम नहीं है, उनको जरा भी संकोच नहीं है, वो निसंकोच कहते हैं कि हम ट्रिपल तलाक के पक्ष में हैं, ये रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं देते। जब हमारे मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद बिल लेकर आए, उन्होंने पूछा, अरे भैया बताओ कि क्यों रहना चाहिए कानून, इससे मुस्लिम महिलाओं का भला किस प्रकार से है, कोई तर्क दे दे, हम मानेंगे, हम खुले मन के साथ आए, एक जस्टिफिकेशन तो दे दो। जस्टिफिकेशन नहीं देना, इधर की दलील उधर की दलील कर इसका विरोध करना और ये विरोध दर्ज करा देना, जिससे हम अपनी वोट बैंक को संभाल कर रहे हैं।